हम बात कर रहे हैं यूपी के सुल्तानपुर जिले की, जहां प्रथम नागरिक महिला जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और उनके पति शिव कुमार सिंह की, जिन पर मतदान से ठीक 12 घंटे पहले बीती रात बाहुबलियों ने शिव कुमार सिंह की गाड़ी को ओवरटेक कर रोक दिया, जिसके बाद बाहुबली के गुर्गों ने शिव कुमार सिंह को जमकर पीटा, जिसका बचाव कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह पर भी हमला करने की नीयत से गुर्गे आगे बढ़े। तभी अध्यक्ष का सरकारी गनर बाहुबली के गुर्गों को कड़ी चेतावनी दे दी। फिलहाल के सिविल जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और पति शिव कुमार सिंह की जान बची, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता कर बाहुबली गठबंधन प्रत्याशी सोनू सिंह के भाई मोनू सिंह और एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक सनसनीखेज खुलासा किया है। करूंगी कि पहली बात तो कप्तान ने मेरा गनर छीन लिया, और अगर मैं साथ में ना होती, मैं जहां मछली पालन हुआ है उस जगह में गई थी, वहां से वापसी आ रहे थे, तब मेरा गनर और हम एक गाड़ी में थे और ठाकुर साहब भी थे एक गाड़ी में। उसके बाद उनकी मोनू सिंह की गाड़ी 10-12 गाड़ी। बात आप बउगाहवा बाजार की कर रही हैं, जो मतदान के ठीक पहले 11 तारीख को हुआ था, उस रात के बारे में आप बता रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ था उस रात? उस रात हम लोग झील पर से वापस आ रहे थे, जहाँ मछली पालन हुआ है वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे। फिर रास्ते में इनका 10-12 गाड़ी से काफिला आया मोनू सिंह का, तो दो गाड़ी आगे लगा दिए, दो गाड़ी पीछे लगा दिए। अच्छा, एक गाड़ी तो हमारी आगे से कैप्चर करके उसको, हमारा गनर ड्राइवर उसको सबको उठा ले गए, उनका अर्स पर्स गाड़ी कागज़ गाड़ी की चाबी सब छीन ले गए, स्कॉर्पियो की 9 नंबर की। उसके बाद में फिर जिसमें एक आगे गाड़ी थी नई वाली, उसको ये लोग जान के लड़ा दिए। जब ज़बरदस्ती लड़ाए तो एक बुढ़िया के चारपाई पड़ी थी, उस पर वो गाड़ी जाके, बुढ़िया थोड़ा खरोज भी आ गया है, इसके लिए मैं गलती मानती हूँ। फिर उसके बाद ये हमारी गाड़ी के पास आए तो हमारे गनर को फिर मुझे उतारना चाहे, जब मुझे उतारना चाहे तो हमारा जो सरकारी गनर था, वो सरकारी गनर सीधे मोनू से कहा कि इनके हाथ मत लगाना अध्यक्ष जी के, अगर अध्यक्ष जी के हाथ लगाएंगे आप तो हम 30 की 300 गोली उतार देंगे। वो किसी तरह मुझे ढकेल के गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद बोला कि इन भाभी को सीधे गाड़ी में जल्दी अंदर करो, हमें अंदर कर लिया। उसके बाद हमारे सरकारी गनर को वो लोग घसीट ले गए, शिव कुमार सिंह को भी घसीट ले गए, उसको भी घसीट ले गए। फिर हमारा ड्राइवर मुझे लेके घर पहुँचा, जब तक घर पहुँचा तब तक 2 बुलेट उनके पीछे लग के मेरे घर तक उनके 2 बुलेट आई फायरिंग करते हुए सलाह से। हम वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसमें हम बैठे थे, हम सीधे अपनी गाड़ी अंदर ले गए। फिर हम एसओ को फ़ोन किया, जबकि एसओ को पहुंचना वहाँ 15 मिनट से का 10 मिनट लगता है बल्दी राय से बउगाहवा पहुंचने में। कप्तान को हमने फ़ोन किया कि हमारी सारी गाड़ी घिर गई हैं और शिव कुमार सिंह को उन्होंने अपहरण कर लिया है, शिव कुमार सिंह को हमारे सरकारी गनर को भी अपहरण कर लिया है। तो कप्तान साहब ने कहा कि हाँ फोर्स वहाँ पहुँच रही, जबकि कोई फोर्स नहीं पहुंची। 40-45 मिनट बाद फोर्स पहुंची। फिर उसके बाद में जब फोर्स पहुंची तो किसी ने बोला वहां पर मोनू से कि वो एसओ साहब आ गए हैं। मोनू सिंह ने कहा कि एसओ साहब से बोलो कि बाहर खड़े रहें, जब तक इनमें उनमें दोनों में बातचीत होती रही। उसके बाद में एसओ साहब तब तक बाहर खड़े थे, अब इतनी इनकी इन लोगों की। और फिर उसके बाद में गनर मेरा शादी वर्दी में था, कहीं शादी पार्टी में तो हम जा नहीं रहे थे कि उसको उसमें वर्दी में ले जाते। हम झील पे घूमने गए थे, घूम के वहाँ से वापसी आ रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। अब ये हो रहा है कि वो उसमें सिविल ड्रेस में क्यों था भाई, सिविल ड्रेस में था। सारे गनर जितने मेरे पास थे, कभी सुबह निकलते हैं तो सिविल ड्रेस में लेके चले जाते हैं, फिर वो हमारी मर्जी है ना, हम कहीं भी जाएँ, शादी वर्दी में ले जाएँ या वर्दी में उसको ले जाएँ, वो तो हमारी मर्जी है। फिर कहीं शादी पार्टी में तो जा नहीं रहे थे, रात का मामला था, झील पे घूमने गए थे, उसी वही कारण से उसको भी बुला लिया गया। क्या गनर की कार्रवाई छीन गई थी? गनर की कार्रवाई उन्होंने छीन लिया था, फिर भी हमारा गनर ने कहा कि इसकी कार्रवाई में हाथ मत लगाना। फिर किसी तरह मुझे वहाँ तो छोड़ भेज चुका था, फिर बाद में पता लगा कि मेरे गनर के भी 2-4 झापड़ ये लोग मारे हैं। कार्रवाई को किसने छीना था? कार्बाइन के इनके मोनू सिंह के जो लड़के थे, ये अब गनर हमारा क्या पहचान है वो कौन थे, लेकिन ये नाम बता रहे थे कि बंटी की घंटी, ये क्या नाम है इनका, और ये अतुल थे और ये एक वो अविनाश राठी, ये लोग थे। आपने इसकी FIR कराने का प्रयास किया या? FIR जब एसओ को रोक दिया गया वहाँ पे
कि उसको बाहर खड़ा एस ओ से बोलो बाहर खड़ा रहे, तो उसको क्या FIR करने। अब FIR हमने कप्तान के यहाँ भेजा है, कप्तान के यहाँ से फैक्स हुआ है थाने को, देखो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। मतलब हम ये माने कि आपको उम्मीद ही नहीं है कि सुल्तानपुर की पुलिस पर न्याय की उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई हमें नहीं कोई उम्मीद है। जिले के प्रथम नागरिक का भरोसा सुल्तानपुर पुलिस खो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इस पर क्या कहें हम? अब इसको तो आप लोग मीडिया पर, मीडिया के हैं आप लोग, खुद जानते हैं कि कितना समर्थन किया था भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी जी, क्या उन्होंने आपकी मदद नहीं की? नहीं मदद की है, क्यों नहीं मदद की है? सुबह फिर आई जैसे वहाँ के उनके लड़के ये उठाने लगे, उनका हाथ पैर तोड़ के शिवकुमार सिंह को बिठा दिया गया, वो लखनऊ में एडमिट हैं। सुबह 6 बजे पहुँची, इनको लेके सीधे धनपतगंज पहुँची, वहाँ तो आदमी देखा इनको कि सीधे न उनके मार पड़ी है ना कुछ, लेकिन वहाँ खींचा ताने में उनकी बनियान का टी शर्ट का सब फट गया था, हमारे गनर का मारे हाथा पाई हुई है, ऐसा नहीं ना कि किसी से नहीं हुई है। आपका प्राइवेट गनर भी अभी गोली मार दी गई? हाँ उसको भी गोली मार दी है। ये लगातार दो, हाँ इस पे, हाँ इस पे कैसे फील कर रही है? अब यही फील करना है कि जो हम अपने आप को हम अपना सेफ नहीं समझ रहे हैं, कि हम जिले के प्रथम नागरिक हम सेफ नहीं है तो हमारी जनता कैसे सेफ है? और फिर अभी तो ये राजनीतिक हमारा इनका मामला था, अब तो व्यक्तिगत दुश्मनी कर लिए हैं, अब इनका या तो जनता जवाब देगी, जो बचेगा उसका ऊपर वाला जवाब देगा। आपको कानून पे भरोसा नहीं है कि कानून जवाब देगा? अब आपने कानून क्या कर रहा है हमें बताओ, हमारा गनर किस हिसाब से छीना गया मुझे ये कप्तान बता दे, किस हिसाब से लिया गया मुझसे एक बार कप्तान पूछते कि आप थी, या तो उसी जगह हम भी मार खाते, जो वीडियो वायरल हुआ है उसी जगह हम भी मार खाते, और वीडियो हमारा भी उसके साथ वायरल होता तो हमारा वो गनर ना छीना जाता। आपका गनर भी छीन लिया गया? बिल्कुल छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाज और मीडिया टीवी। हाँ।